हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एएमयू में हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा हालत। ऑब्वियसली हॉस्टल होगा, या नहीं हॉस्टल ही है, तो हॉस्टल में स्टे किया हूँ। तो बहुत वक्त बाद आए हैं फिर से, तो अब घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों से मिलेंगे और थोड़ी यादें यादें देखेंगे, याद आपको दिखाएंगे भी, कुछ अपनी मेमोरीज वगैरह शेयर करेंगे। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी नहीं उठा मैं, उठ गया था 7-8 बजे, लेकिन 12 बज रहे हैं अभी, आराम से लेटा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे अब दोस्तों के पास, जाएंगे, सब चीज़ दिखाऊंगा आज आपको, मज़ा आएगा। मजा आया। धूप बहुत तेज़ हो रही है और आपको यहाँ ऊपर आया है, मैं हॉस्टल के तो जान के आया हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हुए। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे बारे में किस्सा है। बता आपको नहीं पता हो, किसी को नहीं पता, मतलब जो मेरे क्लोज है उन्हें पता है। ये पीछे आप पानी की टंकी देख रहे होंगे, इस पे हम चढ़े थे बिल्कुल टॉप के सबसे ऊपर। तो ऐसा हुआ था, इस पे ऊपर तो चढ़ गए थे, नेक्स्ट डे जब उतर उतर के आ गए थे, मतलब नेक्स्ट डे उससे मेरा एक हो गया था एक्सीडेंट। तो मुझे याददाश्त चली गई थी मेरी, और याददाश्त मेरी सिर्फ इस पे जब चढ़े थे ना एक दिन पहले तक, तो वहीं तक याद आ रहे थे कि यहाँ पे चढ़े थे, और मैंने जो मेरे दोस्त थे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि इन्होंने मुझे धक्का दिया है ऊपर से। तो मेरा बहुत फनी किस्सा भी है उस वक्त, लेकिन सिचुएशन भी बहुत मेरी सीरियस हो गई थी। ये मेरी 11th क्लास की बात है मेरे, तो मतलब 2015-16 समथिंग। आरएम हॉल है इधर साइड और ये एमएम हॉल है छत पे, देखिए बीच में ग्राउंड है, कितना बड़ा ग्राउंड है एक तो, और बहुत प्यारा लगता है ये वाला। ये मस्जिद है यहाँ पे इनकी है, ये अल्लामा इकबाल हॉस्टल में ही है जो कि 11th 12th का हॉस्टल है, ये जस्ट साइड में ही है। ये हमारे अहमद भाई, अहमद भाई हेलो तो कर दो, किसी को कोई काम होगा भाई तो एएमयू में अहमद भाई को पकड़े। अहमद भाई की बुलेट देखो कौन सा मॉडल है, ये 95 है। 95 मॉडल है भाई। आवाज़ सुनना भी इसकी तुम, आवाज़ क्या खतरनाक है बुलेट की। तो यह है अहमद भाई की बुलेट की आवाज़। ये हमारा खाने का टाइम हो गया, बिरयानी मंगाई है, बिरयानी खाएंगे आराम से, फिर बाहर जाएंगे चाय पियेंगे। तो फैसल और मैं जा रहे हैं, फैसल को शायद आप नहीं जानते हो क्योंकि फैसल एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है, बताऊंगा, चलो रुक के बताऊंगा इसके बारे में। हम बता रहे थे फैसल भाई के बारे में, हमारे जो फैसल भाई हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी एएमयू की, रील्स जो चलती हैं, वीडियोग्राफी टाइप जो फेमस हो रही हैं। मतलब मेरी यही शिकायत रहती थी कि एएमयू के पेज जो वीडियो डालते हैं ना, मतलब रील टाइप, वो बहुत बेकार डालते थे। यहाँ पे वही वीडियो बनाना है और हमारा व्लॉग चल ही रहा है जैसा आपको पता है, और हम सर सैयद नगर, वो सॉरी सर सैयद हाउस आए हैं, और यहाँ पे देखिए उन्होंने प्यारी सा बना रखा है, प्यारा तो पूरा है ही, ये चीज़ मैंने अभी देखी। तो इन्होंने ये चीज़ नया कर दिया यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया फूल लगा दिए, एकदम ज़बरदस्त, एकदम रोमांटिक लोकेशन है। आप अपनी बीवी को लेके आ सकते हैं और किसी को लेके ना आए। ये है 360 व्यू यहाँ का। ये जामा मस्जिद नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ये सर सैयद हाउस वाली मस्जिद है। तो इस मस्जिद में मैं 8-9 साल, मतलब अलीगढ़ से मेरा वास्ता रिश्ता है, लेकिन पहली बार इस मस्जिद में आ रहा हूँ मैं, नमाजी रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें ये है दीवानों का अड्डा, दीवाने यहाँ पे आते हैं छिपने के लिए। तो ये देखिए, अरे भाग्य, अच्छा ये रहा, ये रहा मोर है, ये रहा मोर, यहाँ पे बहुत सारे हैं वैसे। मेरी जीप खड़ी रहे थाने ते बदले विच। अरे यार 3-4 जीप खड़ी हैं एकदम से, इन्हों रेनोवेट कराते हैं, एक तुम ले लेना एक मैं ले लेना, बताओ मैं रख लूंगा। अशरफ भाई को दे देंगे कोटा के, अशरफ भाई को कोटा भिजवा देंगे, लेकिन हाँ चल यूपी का नंबर है ना, राजस्थान में दिक्कत हो कभी, पुरानी है ना गाड़ी, अहमद भाई के हाथ में कर देंगे। अहमद भाई को दे देंगे, उन्हें बुलेट पुरानी वैसे ही पसंद है। तो भाई आप जैसे देख सकते हैं, फैसल भाई ने हमें बदलवा दिया, जैसे आपको पता है मैं टीचर बन गया था, मतलब शरीफ और वाली ज़िंदगी जीने लगा, लेकिन फैसल भाई ने मेरी स्लीव्स ऊपर करवाई। रे ये भाई फजील भाई, आपका भी दौर गया नहीं, बुढ़ापा नहीं आया, जैकेट को ऐसे डालिए, थोड़ा लगना चाहिए। हाँ भाई है, अभी जिंदा है,
तो जिंदा है आज लग रहा है, लेकिन कल तक फिर मर जाऊंगा मैं। अरे नहीं भाई, फिर उसी बोर्ड में आ जाऊंगा जब जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, बात खत्म फिर वहीं पर। तो बॉयज के साथ हम मेडिकल रोड पे आए हैं चाय पीने, अब चाय पियेंगे। यहाँ पे बैठे हैं हमारे बॉयज, पॉज मारो निब्बा वाले पॉज। यो बॉयज, निब्बा वाले पॉज। फजील भाई क्या काम हो रहा है? काम क्या भाई, तुम्हारी वीडियो दे रहे हैं और एक ये लाइट नहीं बंद हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। गाने चल रहे हैं भाई, कॉपीराइट आ जाता है। तो अभी हम वाईफाई के चक्कर में फैसल भाई के अमीर खाने में आए हैं। गरीब खाना है भाई, अमीर खाना, गरीब खाना, तो अमीर खाना है भाई को। आज जो हमने वीडियो बनाई है वो शेयर करनी थी, तो इनके आईफोन में, इसीलिए मुझे आईफोन बेकार लगते हैं। गरीबों के आईफोन मुझे इसीलिए बेकार लगते हैं, इनमें शेयरिंग का बहुत मसला होता है। सब चीज़ ही मसला ही है, ये आईफोन पूरा ही मसला है। कैमरा ले लो अगर कैमरे के लिए ले रहे हो, इसीलिए मैंने कैमरा ले रखा है। तो शूज़ लेने आए हैं अभी हम, अमन निशा में आए हैं। यहाँ पे भाई की शॉप है, ये हमारे फैसल भाई के दोस्त ही हैं, ये हमारे दोस्ती दिखी गई है। बढ़िया बढ़िया है वैसे तो। चलिए अब देखते हैं कौन सा पसंद आता है। अच्छा, चलिए हम पसंद करके दिखाते हैं। अभी नई नई चीज़ दिखा रहे हैं वैसे भैया। तो ये वाला पसंद आ रहा है, दिखाओ फैसल भाई, सही से दिखाओ। ये ग्रीन का, ये अच्छा लग रहा है, कंफर्ट भी है पहन के, सही है ना? हाँ सही है। रेट बताना है? जी बता दीजिए। अरे ला लेंगे भाई यार, फैसल भाई। तो हमने वही वाला शूज़ जो ग्रीन वाला दिखा रहे थे वही ले लिया, अच्छा है, कंफर्टेबल है, और प्राइस भी भाई ने सही लगा लिया। अच्छा प्राइस लगा लिया, फैसल भाई के भी थोड़े ताल्लुक आते हैं, और वैसे भी अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं। चल रहे हैं, बस व्लॉग वगैरह एंड ही करेंगे, बस अहमद भाई से देख लेंगे थोड़ी, दो चार बात हो जाए। चाबी वो तो ऊपर से फेंक देंगे, चाबी भूल गए ऊपर। तो अब फिर से कुछ शॉपिंग करना आ गए सुपरमार्केट में, क्योंकि जंगल में रहता हूँ आपको पता ही है, तो वहाँ पे कुछ मिलता है, तो सारा सामान बस लेके जा रहा हूँ, फिर कल हो ना हो मतलब शॉप पे आना। तो ये चीज़ें, फेस वॉश वगैरह ले लिया, और बाकी क्या लेना है फैसल भाई? आज तो व्लॉग में फैसल भाई दिख रहा है बस, चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखो, शर्मा गई। तो इसमें सुपर मार्केट में आई है, बहुत प्यारी बनाई है, एकदम ज़बरदस्त है। ये चीज़ें एकदम बढ़िया लग रही हैं मुझे, और सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे असला, असला तो सबसे बढ़िया लगता ही है। क्या यही लेना है फैसल ने? और हमने ये परफ्यूम लिया है, ये फैसल ने लड़की वाले डिज़ाइन का मुझे परफ्यूम दिलवा दिया है। स्मेल तो अच्छा है, लेकिन इसकी कैप अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे समाज में इज्जत घट सकती है, वो लोग में से क्लिप काटनी पड़ेगी। कैसे लग रहे हैं? बेकार लग रहे हैं। पता ना मिले लेंगे मर जाएंगे। मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। एक खाना खाने आई है वैसे, लेकिन आपको एक बहुत दर्द भरी बात बताने वाला हूँ मैं। पहले देख लीजिए मेरे सामने इंसान कौन है, ये है, ठीक है। अब इनके बारे में एक किस्सा बताऊंगा। कल मैं जैसे अलीगढ़ आया ना, तो मैंने आती कॉल लगाई सबको कि भाई कहाँ हो कहाँ हो, तो मैंने हमारे अहमद भाई को कॉल लगाई। मुझे नहीं अहमद भाई कॉल, अरे यार रुक तो जाओ। अहमद भाई को कॉल लगाई, अहमद भाई कह रहे हैं हेलो, पूरे चौड़म में लगा, अरे क्या हो गया, गुस्सा किस बात से? फिर कह रहे हैं कि कौन, मैंने कहा कौन, भाई ने हमारा नंबर ही डिलीट कर दिया। तो अभी मैं फैसल को ये कह रहा था, मेरे दिल के बहुत करीबी आदमी है, लेकिन ये बात मेरे सुबह से चुभ रही है, नंबर डिलीट क्यों हुआ है मेरा? जवाब दो इसका। आपका नाम किसी और नंबर में सेव कर दिया था भाई। अबे यार कॉल तो करता हूँ, जान दो कहते व्हाट्सएप से निकालता हूँ नंबर। अबे भाई एक तो मेरा पेट ऐसे ही खराब हो रहा है कल से, ऊपर से फैसल भाई हमारे क्या मंगा रहे हैं ये, मतलब पेट का नाश करके रहेंगे जब तक मैं बिस्तर पे बेड पे ना मिलूँ ना, ऐसी चीज़ें खिलाएंगे। तो हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हैं, तो रात का वक्त हो गया, 10:30 बज रहे हैं, और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ,
कितना ज्यादा कोहरा है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए कोहरा हो रहा है, मतलब पास का तो कुछ दिख भी रहा है लेकिन दूर का इतना ज्यादा नहीं दिख पा रहा है। तो गाइस बस एक दिन के लिए ही आया था मैं आज के लिए, और सुबह निकल जाऊंगा, सबको अलविदा कह चुके हैं और यहाँ पे रात भी हो गई है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, 12:30 एक बज गए हैं, एक बज गया पूरा, 1:05 हो रहा है। तो अब सोएंगे सुबह, क्योंकि निकलना है 10:00 कह रहा हूँ। और वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। एएमयू बहुत दिन बाद आया था, सब चीज़ें दिखाई मैंने सब, और डेली लाइफ के भी कैंपस वगैरह सब चीज़ मतलब मिक्स करके ओवरऑल ऐसे दिखा दिया। और वीडियो इसलिए लाइक करना, कमेंट करना, जो अच्छा लगा कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छा लग रहा है कमेंट्स पढ़ने में। और सब्सक्राइब तो सभी को करके जाना है, सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। I should fuck her in the best, yeah.